नमस्ते सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। आज हम लोग एक और ज़बरदस्त आपके लिए ढाबा लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग आज सुमेरपुर में है और आज हम लोग आरजे 19 का गार्डन रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। इनका पंजाबी खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। जोधपुर से ये 160 किलोमीटर दूर है, सुमेरपुर में लोकेटेड है। लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आरजे 22 के नाम से इनका गार्डन रेस्टोरेंट है और ढाबा स्टाइल में इन्होंने पूरा अंदर से बनाया है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। देखिए पूरा इतना जबरदस्त बनाया हुआ है यार, ऊपर देखिए। चलिए अंदर चलते हैं, आपको पहले इनकी सीटिंग दिखा देते हैं हम लोग, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे भी इनकी सीटिंग है। आ जाए अंदर, आ जाए। ये रफ एंड टफ वाली सीटिंग है, यहाँ पे रफ एंड टफ। ये देखिए, चलिए अब अपन अंदर चलते हैं। यहाँ पे इनका पंजाबी खाना बहुत जबरदस्त है और हम लोग सिर्फ जोधपुर से सिर्फ इनका खाना ट्राई करने के लिए आए हैं। देखिए आप यहाँ पे आराम से आप बैठ भी सकते हैं। हमने इतने सारे ढाबे कवर किए लेकिन ये ढाबा मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे इनके पास काफी टाइप की सीटिंग आपको मिल जाएगी। बाहर की दिखा दी आपको, यहाँ की हमने एकदम वो शाही, या आप गद्दे में बैठ सकते हैं आराम से जूते खोल के। और यहाँ पे इन्होंने एकदम वो खाट छोटे छोटे वो लगाए हुए हैं टेबल, जिसमें आप खाना ये लोग सर्व करते हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं हम लोग। ये देखिए क्या बात है, एकदम ओपन में इन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है। इतना दूर आए लेकिन वाकई में हमको बहुत अच्छी लोकेशन ये मिली है। हम लोगों का जो जैसे हमारे यूट्यूब के जो हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनमें से 5-6 लोगों ने हमको बोला था कि आप प्लीज़ सर यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके इनका वीडियो बनाएं। और आपको बताइए कि हम तो ये तो सिर्फ 150 किलोमीटर, हम तो हज़ार किलोमीटर सिर्फ खाने के लिए आपके लिए हम लोग चले जाते हैं। चलिए आपको पूरा दिखा दें। देखिए इनका जो डेकोरेशन है ना, वाकई में काबिल तारीफ है यार, माशाल्लाह। आप यहाँ बैठ सकते हैं। देखिए इन्होंने फाट का पूरा इनका अरेंजमेंट किया हुआ है, अलाव भी इन्होंने लगाए हुए हैं, और क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है तो अलाव भी इन्होंने लगाए हैं। देखिए सेटअप देखें आप, एकदम पहले जितना इन्होंने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे खाट भी लगाए हुए इन्होंने और सबसे बड़ी बात नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे ज़बरदस्त इन्होंने लगाया, देखो ये जो है ना, ये जो लालटेन है ये लाइट वाली नहीं है, ये जो प्रॉपर जो लाटेन है वो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो बाद में जब अंधेरा होगा तो और ये लगा देंगे। यहाँ आ जाएं आप, यहाँ बैठ, यहाँ 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 भी आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, पूरा इनका आठ इन्होंने लगाया है यहाँ पे। देखिए क्या बात, सब जगह आप प्रॉपरली आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। उस तरफ भी इनका है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जबरदस्त, आप चलिए हम लोग बैठते हैं, पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर खाना ट्राई करेंगे। चलिए फोटो पूरा मेन्यू आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ के जो 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 कैप्टन है, आपको क्या नाम है? देवेंद्र सिंह जी। जैसे इन्होंने हमको बताया कि अगर जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई आता है तो इनका एक तो ये पनीर अंगारा बहुत फेमस है, और जब विंटर्स आते हैं तो ये लोग हल्दी की सब्जी भी यहाँ पे सर्व करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक तो पनीर अंगाला हम लोग ट्राई करेंगे और साथ में आपकी जो हल्दी की स्पेशल जो सब्जी है वो ट्राई करेंगे। इसके साथ में क्या देंगे आप? रोटला ले सकते हैं बाजरी का सर, आप रोटला बाजरी रोटला ले सकते। तो एक बाजरी का रोटला ले आना और दो लच्छे परांठे ले आना, ठीक है? बस अब आपको पूरा मेन्यू हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए आज 22 का गार्डन रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू, चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इनका जो सेक्शन है वो पूरा सैलेड रायता का है, देखिए। उसके बाद इनकी जो पंजाबी जो सब्ज़ी है वो आपको मिल जाएगी, जो कि इनके स्पेशल है। हांडी पनीर हो जाएगा, पालक पनीर हो जाएगा, मलाई कोफ्ता इनके पास में, स्पेशल हल्दी की सब्ज़ी जो हमने मंगाई है अभी। चलिए उसके बाद आप आ जाएँ, और भी सब्ज़ी आपके पास मिल जाएगी। आलू मटर हो जाएगा, सेव टमाटर है, मतलब काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और लोकेशन वाकई में ज़बरदस्त है यार, ये देखिए चपाती में रोटला भी हो जाएगा, बाजरी का रोटला हमने वो ऑर्डर किया है, और लच्छा परांठा ऑर्डर किया है, दाल हो जाएगी, राइस हो जाएगा, और ये इनकी स्पेशल थाली भी इनके पास में। आज ये 22 की स्पेशल थाली है, एक तो 250 रुपये की है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, और 180 में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए तो चलिए, और आप यहाँ पे गार्डन भी बुक कर सकते हैं शादी पार्टीज के लिए। चलिए बस पूरा मेन्यू आपको दिखा दिया और अब हम लोग
हमारा खाना ऑर्डर कर चुके हैं, बस वेट करते हैं। ये एक आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, देखिए पिज़्ज़े का भी अलग से इन्होंने मेन्यू दिया हुआ है। चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखा दिया, अब हम लोग हमारा हल्दी की सब्जी और पनीर अंगारा रोटला और ये बाजरे का जो इनकी रोट जो रोटला है वो ट्राई करें। फ्राई पेपर और प्याज लेमन मसाला पापड़ होता है ना, मसाला पापड़ था। चलो अभी पापड़ ट्राई करते हैं। पापड़ के बिना तो मेरा खाना स्टार्ट होता ही नहीं है। पापड़ मुझे बहुत पसंद है, नहीं था। चलिए बस खाने के वेट कर रहे हैं, यहाँ की हल्दी की सब्जी ट्राई करते हैं और पनीर अंगारा। ये हमारा पनीर अंगारा है ना, इसको नीचे रखो। ये देखिए पनीर अंगारा हमारा आ चुका है। ये देखिए हल्दी की सब्जी भी लिया बैस साथ साथ में, इसका फोटो खिंचाएंगे हम लोग। ये देखिए पनीर अंगारा आपने कहाँ पे ट्राई भी किया था एक बार? हाँ वहाँ पे नारायण रिसोर्ट में बनाया था ना उसका। ये देखिए ये इनका जो ये क्या भैया, बाजरी का ओगड़ा, ये हल्दी स्पेशल। तो चलिए पहले फोटो खिंचाते हैं उसके बाद फिर हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। ये इनकी जो हल्दी जो स्पेशल जो ये लोग सिर्फ विंटर से बनाते हैं सर्दी के मौसम में। ये देखिए हल्दी का कलर काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, दोनों का कलर काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये हल्दी की सब्ज़ी हम लोगों ने हमारे थाली में डाल दी है। अब बारी है इनका पनीर अंगारा। पनीर अंगारा हमने नारायणगढ़ रिसोर्ट का भी ट्राई किया था, वाकई में काबिल तारीफ़ था यार। चलिए यहाँ का भी ट्राई करते हैं। इन्होंने पनीर के काफ़ी अच्छे अच्छे पीसीस इसमें डाले हैं, पूरी इन्होंने जो मिर्ची होती है वो इन्होंने डाली, मुझे वो मेरी फेवरेट भी है। चलो हम लोग सोरा ट्राई करेंगे इनका। देखिए पूरा घी में गच हुआ हुआ है, ये देखिए क्या बात है, और घी की खुशबू आ रही है वाकई में, एकदम देसी घी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ही बनाते होंगे। ये यहाँ के है ना, वाकई में ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चलिए इसको थोड़ा बहुत ये लेते हैं और थोड़ा बहुत इनका लच्छा परांठा ट्राई करते हैं। ये देखिए लच्छा परांठा, लच्छा परांठे की साइज़ देखें आप। ये देखिए इसको हल्दी की सब्जी तो सोगड़े के साथ ही मज़ेदार होती है। चलिए वाकई में माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने बनाया यार, वाकई में स्पाइसी भी है और साथ साथ में इन्होंने जो मसाले के जो प्रोपोर्शन यूज़ किया है ना वो बराबर है, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं जो कोई भी ज़्यादा कम नहीं। चलिए अब बारी है पनीर अंगारा की। पनीर अंगारा हम लोग ट्राई करेंगे लच्छा परांठे के साथ में। ये देखिए मिर्ची मेरी फेवरेट, मज़ेदार। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद में बिल देंगे और वीडियो ख़त्म करेंगे और चलेंगे फिर जोधपुर। बस यार हम लोग इतना दूर आए लेकिन खाना बहुत ज़बरदस्त था, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हम लोगों ने यहाँ पे हल्दी की सब्ज़ी ट्राई की, हम लोगों ने यहाँ पे पनीर अंगारा ट्राई किया और साथ साथ में यहाँ का बाजरी का जो ये सोगरा होता है वो ट्राई किया, लच्छा परांठा ट्राई किया और मज़ा आ गया। नहीं था मज़ा आया? आप लोग अगर यहाँ से कभी पाली से अगर अहमदाबाद जाना हो तो आप यहाँ पे ज़रूर स्टे, मतलब आप यहाँ पे स्टॉप करें लंच या डिनर के लिए, लेकिन डिनर का टाइम पे थोड़ी बहुत लाइटिंग अच्छी होती है तो यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा एक और वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़। चलो।